प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो वो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुलशिट, शी इज वेरी डियर, इसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज इजंट इट एग्जैक्टली व्हाट शी वांट। सीरियसली यार, आजकल तो जब भी वो मुंह खोलती है ना, मन करता है उसके मुंह में कुछ ठूस दूं। सच में यार, 6 महीने में हैरी डॉल सब देख लिया है मैंने। अब कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काय की खुशियां। अभी रिलेशनशिप का मतलब ही होता है इन एंटर योर ऑन हैप्पीनेस, और उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इट, उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। ए हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले साला, जब तक बैटमैन नहीं बना था तब तक बोलती रही तुम कुछ करते नहीं, नकारा हो नपुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। और जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया तो बोली, हाँ तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तेरे साथ कैसे रह सकती हूँ। साला सब ये कहानियों का दोष है, ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। अभी इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। मैं इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रही हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले ये कुशन सा, फिर कर्टन सा, फिर कुशन कर्टन से मैच नहीं किया तो फिर कुशन सा। अबे मग्स इतने हो गए मेरे यहाँ, अगर उन्हें बाहर बेचने जाऊँ ना तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो साला जो चीज खरीदने जाएगी वो चीज खरीद के आएगी नहीं। 2 हफ्ते दिमाग चाटेगी, टेबल लेना है टेबल लेना है, मॉल में 5 घंटे बिताने के बाद एक सड़ी सी चप्पल उठा के लाएगी, फिर अगले 2 हफ्ते तक दिमाग चाटेगी टेबल लेना है टेबल लाना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते बता देता हूँ, बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है ये बात समझना, 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा। अबे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। साला सबसे ज्यादा दिमाग की दही तो ये मोबाइल फोन ने कर रखी है, कटे घटिया इन्वेंशन है साली, कॉन्स्पिरेसी का पत्ता है साला पट्टा। एक तो इनके ऐड भी देख लो ना, लो जी 1 रुपए पर सेकेंड, और फोन करो और फोन करो। अबे कॉल रेट कम कर, इनसे बातें थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को। फिर उनको इसका जवाब दो कि तुम्हारे पास बात क्यों नहीं है करने को, ये लॉस इंटरेस्ट इन मी, अगर तुम्हें सिर्फ हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अबे मेरी माँ, मुझे क्या पता तुमने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। मैं तुझे बता रहा हूँ उस एड में ना कुत्ता नहीं कुतिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ, वेरेवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगा था कोलंबस को पता ही नहीं था कि वो इंडिया जा रहा है, गलती से यहाँ पहुंच गया। नहीं, उसे पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, लेकिन बीवी के चक्कर में आके बताना पड़ा कि इंडिया जा रहा है, वरना 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, किसलिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे दूर जाना चाहते हो। बेचारे कब तक मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैसेज आ जाएगा, मैं भी मैसेज कर देता हूँ, आई लव यू टू। अभी उसके बाद मैसेज पे मैसेज शुरू। अभी काम क्या करती है ऑफिस में, 2 मैसेज का रिप्लाई मत दो तो फोन आ जाएगा। फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमियों को इतना हार्ट अटैक क्यों आता है, और ये जो चीज गे बंदे है इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव वुमन टू एक्सक्लूड देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, पर ये कोई नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन ऑल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कहीं ज्यादा है इस दुनिया में। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा, खाना नहीं खाएगी, भूखी सो जाएगी। अभी मैं कह रहा हूँ खा लो, क्या दिक्कत है, क्या करूँ, नौकरी छोड़ दूँ। फिर साला घर जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ, इन सब के बाद तो इंसान की खुद की भूख वैसे ही मर जाती है। और इसके बाद भी ना, अगर इंसान किसी तरह शांति से चुपचाप कोने में जाके बैठ जाए तो ये आ जाएगी घड़ी घड़ी, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो। अभी कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मेरी माँ ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रही हो, क्या करूँ, कैमरा लगा तो दिमाग में। किसके बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। मैं तुझे बता रहा हूँ यू कांट डिस्कस एनीथिंग विद वुमेन, बिकॉज दे कॉल इट डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमेन इज एन आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट में तो बॉस तुम उनसे जीत ही नहीं सकते, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन आर्गुमेंट। पर इन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस जैसी बेकार सी चीज के लिए आर्गुमेंट कैसे हार जाए। और आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। अभी साला यहाँ याद नहीं रहता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। ये लड़कियां ना बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है, इन्हें हम बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अबे तू कभी ट्राई कर लियो खुद की बात को सही साबित करने की, तुझे लग रहा होगा कि इस पॉइंट के बाद मैं अपने आप को सही साबित कर लूंगा,
पर तभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो। तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा, लेकिन तुम्हारी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्गुमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाया ये रूल। सर वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें तुम्हें जूता निकाल के फेंक दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनके तरफ एक फिंगर पॉइंट कर दो, सारा मुद्दा खत्म। वो सही, तुम गलत। ये जो बैंड वाले शादी से पहले नागिन पिन क्यों बजाते हैं बता? क्योंकि वो तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रही है तुम्हारी जिंदगी में, वो उनका सिग्नेचर ट्यून है। अब ये बता कि वो क्या करने आई थी तेरे पास? अगर सेम चीज मैं करता तो मैं उसके किसी फ्रेंड को फोन करके अपनी प्रॉब्लम गिनाऊं, तो कहेगी अच्छा तुमने मेरे फ्रेंड को फोन किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर, इट्स रिडिकुलस यार।